ये हमारी यहाँ पर पानी के लिए समस्या के लिए ये सब लोग पानी की समस्या के लिए आए खड़े। पिछले 1.5 साल से विश्वास नगर में पानी की समस्या इतनी है, जो पहले 7-8 घंटे पहले शीला दीक्षित के टाइम आता था, आज 7-8 मिनट भी नहीं दिन में आ रहा पूरे। और पिछले 1.5 साल से तो ये समस्या है कि हम हर जगह हर विभाग में एक्शन के पास, कमिश्नर के पास, विधायक के पास, ओम प्रकाश के पास, सबके पास जाके आए, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। ये यूपी बिहार से ही बदतर काम हुआ हुआ है। हम किस जगह जाएं, कहां जाएं, पानी की समस्या को लेकर केजरीवाल के पीए के पास हुआ है, कमिश्नर के पास आए, स्थानीय विधायक है, वो हमारी बात ओम प्रकाश नहीं सुनते। ये दोनों सरकारें मिलके इस तरह पब्लिक का बेवकूफ़ बनाती है। जब वोट लेने आते हैं यही पब्लिक जनता जनार्दन होती है। आज पानी के टाइम पर, पानी के समय एक बूंद लोग खरीद के पानी लोग पी रहे हैं। इतनी बुरी हालत है, लोग गरीब लोग हैं। 50 रुपए का, 30 रुपए का एक 20 लीटर वो आता है, कैन आता है, वो ला रहे हैं। काम धंधे नहीं है, ये पानी खरीदेंगे कहाँ से, इनके पास पैसे आएंगे। और इतनी बुरी हाल है, खड्डे खोद के चली गई। ये देखिए आप, यहाँ 15 दिन से खड्डा खोद नहीं आ रहे, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, खड्डे बंद कर रहे हैं। जल बोर्ड का कोई भी नुमाइंदा हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम अपनी बात कहने के लिए सिर्फ मीडिया ही हमारे पास रह गया है कि अपनी बात रख सके। सीवर का पानी आता है बिल्कुल गंदा, रसोई में नल खोलते हैं बाहर निकल जाता है, नहाने तक का मन नहीं करता, इतना गंदा पानी वो नहीं, सब फेंकते हैं, उससे टेंट लगाता है, उसको मार पिटाई होती है। हमारे बच्चे साइकिल पर पानी दूर दूर से लाते हैं, नहीं आते तो पानी नहीं मिलेगा, दिल्ली में क्या चीज मिलेगा, पानी की कितनी परेशानी, बहुत ज्यादा पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है। इतने हम लोग दुखी हो गए कि उस पानी से हम लोग नहा भी नहीं सकते, इतना काला गंदा पानी आ रहा है, बताओ क्या करें। जब पानी नहीं मिलेगा तो दिल्ली में रहना ही बेकार है हम लोगों का, पानी कितनी पर बोरी भी काट रहे हैं, क्या करें, क्या पिए, क्या कैसे जिए। बोरी को सरकार बंद कर देती है, और क्या, बोरी सरकार बंद कर देती है। इस गली में 40 साल से रह रहा हूँ, सबसे कभी भी 8 घंटे से 10 घंटे से कम कभी पानी नहीं आया। बिना मोटर के पानी जो है तीसरी छत में आता था, लेकिन पिछले साल से हम जून से ये काम करते हैं, कहीं भी हमारी सुनाई नहीं हो रही है। तो ये इतना बुरा हाल है कि हम कैन खरीदते हैं रोजाना 2 या 3, उससे क्या घर का काम चल सकता है। 5 मिनट के लिए भी 5 मिनट के लिए भी पानी नहीं आता, बिल्कुल नल काट रखे हैं, गली में खड्डे खोद रखे हैं, कोई भी गिरता है एक्सीडेंट हो रहे हैं, मट्टी खोद कर चले गए हैं, कोई उनको भरने के लिए पानी आ रहा है, पानी नहीं आता। लेकिन जब से ये केजरीवाल सरकार आई है तब से पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, 5 मिनट के लिए भी पानी साफ नहीं आता। जो पानी आता है तो इतना गंदा, सीवर से भी गंदा, उसके बराबर में आप खड़े भी नहीं हो सकते, इतना गंदा पानी आ रहा है। अब खड़ी खड़ी के पानी हम कहाँ तक पिए। सरकार का फर्ज है कि वो नागरिकों के लिए साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए। हमारी मांग है मीडिया के मार्फत सरकार से कि वो हमें पानी उपलब्ध कराए। ये जगह जगह खड्डे खुद रहे हैं, चार पाँच दिन से खड्डा खोद के गए थे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, खड्डा खोद के चले जाते हैं, 30-30, 40-40 रुपए की लोग कैन ला रहे हैं, ऐसी काम धंधे है नहीं लोगों के, कैन ला रहे हैं पानी भरने के लिए, और टैंकर हमारी गली में आता है वो भी पूरा पानी नहीं देके जाता, टैंकर आएगा थोड़ा बहुत पानी देके चले जाएगा, फिर इस तरह की दिक्कतें हो रही है पानी से लेकर। पानी आ ही नहीं रहा, बिल्कुल पानी गंदा आ रहा है, मिट्टी वाला पानी आ रहा है, पहले तो आता था अब तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, सीवर का पानी, नाली का पानी आ रहा है, पहले आता था अब तो बिल्कुल नहीं आ रहा है।